बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होना है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। 9 जून की शाम को शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बड़ी खबर, तीसरी बार वो ऐसा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश के दूसरे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। 9 जून की शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का। मध्य प्रदेश के इतिहास में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी तरफ आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के कुछ चेहरे लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, जहां कांग्रेस सेन लगाने में हर बार फेल हुई है। कांग्रेस का मानना है कि कुछ सीटें संघ और बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी की कामयाबी के पीछे उनके उम्मीदवारों का सकारात्मक आचरण भी है। सुमित्रा महाजन, गोपाल भार्गव, वीरेंद्र खटिक ऐसे ही नेताओं में शुमार होते हैं। सीटें ऐसी हैं जो भाजपा या संघ की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित हो चुकी हैं, मगर इस प्रयोगशाला से इतर उनके जनप्रतिनिधियों का आचरण भी है जिनका सब्स्टिट्यूट हम नहीं बन पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर सीट पर चुनाव जीतने की दो ही कारण हैं, जनता से किए गए वादों को डबल इंजन की सरकारों के माध्यम से पूरा करना और संगठन में नए आयाम गढ़ना। भारतीय जनता पार्टी की बूथ शक्ति एक नए कलेवर में डिजिटलाइज होकर नजर आई और डबल इंजन की सरकारों ने जो गांव गरीब किसान के जीवन में बदलाव किए उसका परिणाम यह है कि विधानसभा में भी ऐतिहासिक और लोकसभा में भी अभूतपूर्व विजय हमें प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, कैडर यहां का बहुत मजबूत है, संघ देश में सबसे ज्यादा कहीं मजबूत माना जाता है तो मध्य प्रदेश में माना जाता है। तो एक तो भाजपा और संघ दोनों मध्य प्रदेश में मजबूत है, दूसरा कांग्रेस लगातार कमजोर है, चाहे जोन से चुनाव हो चाहे संगठन हो, कहीं वो खड़ी नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी की जीत का अंतर कम हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट पड़े हैं, जबकि पार्टी ने इस बार प्रदेश में 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले सिर्फ 1% ही वोट बढ़ा। जबलपुर में जेल विभाग ने नशीली और प्रतिबंधित सामग्री कैदियों तक पहुंचाने वाले जेल प्रहरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जेल विभाग ने 6 जेल प्रहरियों को बर्खास्त कर दिया। जबलपुर सेंट्रल जेल के 5 और कटनी जेल के 1 प्रहरी पर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। इन सभी को काम में अनुशासनहीनता बरते जाने पर बर्खास्त किया गया। पहले भी इन प्रहरियों को नोटिस दिया गया था, समझाया गया था, बावजूद इसके साठगांठ कर ये जेल में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाते थे। तो नोटिस दिया गया था पहले भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जेल प्रहरी नहीं माने थे। जबलपुर में इन जेल प्रहरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कैदियों तक नशीली और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने का काम करते थे। 6 जेल प्रहरियों को जेल विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। जबलपुर सेंट्रल जेल के 5 और कटनी जेल के 1 प्रहरी पर यह कार्रवाई की गई है। इन सभी को काम में अनुशासनहीनता दिखाने के लिए बर्खास्त किया गया है। तो पहले भी इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिली थी, तो जब उन पर नोटिस दिया गया था, समझाया गया था। पवन पटेल हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं। पवन, बड़ी कार्रवाई की है यहां पर जेल विभाग ने? बिल्कुल, जेल प्रबंधन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है ये इसे बड़ी कार्रवाई माना जाएगा, क्योंकि पहली बार एक साथ 6 प्रहरियों को बर्खास्त किया गया है, यानी नौकरी से ही निकाल दिया गया है। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी,
ये जेल के अंदर जो कैदी हैं उनके साथ साठगांठ करके पैसों का लेन देन करके उन्हें नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री पहुंचा रहे थे, जिसके खिलाफ इन्हें पहले भी समझाइश दी गई, निलंबन किया गया, नोटिस दिए गए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और आज जेल प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। जी बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात दमोह की, जहां सरकारी शराब दुकान पर जेसीबी जली है। नाले पर अतिक्रमण कर शराब की दुकान यहां पर चलाई जा रही थी, ग्राम पंचायत की शिकायत के बाद इसे हटाया गया। आचार संहिता हटते ही जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया था, कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व विभाग का एक्शन देखने को मिला है। आम चोपड़ा गाँव में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण तो लगभग आज एक माह हो चुका है और दमोह में अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर चल रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुरूप कुछ दिनों पहले यहां पर भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि चोपड़ा खुर्द में जो पूर्व का नाला बना हुआ था उस पर एक पुरुषोत्तम तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके दुकान बना ली गई थी, आज उसी के तहत कार्रवाई हुई है। मुनाना की बात करते हैं, जहां दबंगों ने सरपंच को मारा पीटा है। डिजिटल हस्ताक्षर का पासवर्ड नहीं देने पर सरपंच को पीटा गया है। कोतरकला के सरपंच को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। बीते 2 सालों से सरपंच को ये दबंग परेशान कर रहे थे। बदमाशों की गुंडागर्दी से परेशान होकर सरपंच ने पलायन किया। दबंगों के खिलाफ हरिजन एक्ट समेत मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह है थाने में तो के 2 साल से परेशान कर रहा है सरपंच जी आई हुई है कि हमें जो सरपंच जी दोंगल मांगते हैं क्योंकि जो सील सिक्का मांगते हैं, इसलिए मैंने दो और फिर मारपीट कर ली। मैंने कल ब्लॉक में आए पर 3 तारीख को घंटे निकले, फिर मैंने मारपीट करी, फिर अपने घर ले गए, घरें करी है हमारी, तब आवेदन दिया। अगली खबर खरगोन से है, जहां लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते वन रक्षक को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त इंदौर की टीम भीकन गांव में ये कार्रवाई की। टीम ने जेसीबी मशीन पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। वन रक्षक के साथ 20,000 रुपए में सहमति हुई थी। और अब बात करते हैं अनोखी सजा की। जी हां, ये मामला सामने आया है दतिया में, जहां देर रात एक जिम में चोर चोरी के इरादे से घुसता है, चोरी करता है, लेकिन तभी जिम मालिक कैमरे में चोरी होता हुआ देख लेता है और जिम मालिक जिम पहुंच जाता है, जहां पर चोर को रंगे हाथों पकड़ता है। उसके बाद चोर को ट्रेडमिल पर दौड़ने की सजा सुनाता है और तब तक उसे नहीं रोकने देता जब तक कि वो चोरी भविष्य में नहीं करेगा, ये संकल्प ले लेता है। दौड़ दौड़। और अब खबर ग्वालियर से, जहां बदमाशों का जुलूस निकाला। मुरार थाना पुलिस ने बदमाश अनिकेत उपेंद्र धाकड़ का जुलूस निकाला गया। इन लोगों पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप है। 30 मई को 7 नंबर चौराहे पर इन्होंने फायरिंग की थी, घर के बाहर खड़े एक शख्स पर फायरिंग की थी और इसीलिए इनका जुलूस निकाला गया। आचार संहिता खत्म होने के बाद भोपाल की महापौर मालती राय झील संरक्षण को लेकर भ्रमण पर निकली। इस दौरान छोटे तालाब में कचरा फेंकने वाले एक शख्स को उन्होंने देखा तो रोका और फटकार लगाई। आज हम आठ दो काली जी के मंदिर बैठने जाएंगे।
रीवा पुलिस अब चिता की राख से हत्या के सबूत जुटाने में लगी है। मामला जवा थाना क्षेत्र के जनकहाई गांव का है। यहां गोली मारकर हुई हत्या के एक मामले में जब पोस्टमार्टम के दौरान भी मृतक के शरीर से गोली नहीं मिली तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद मृतक की चिता से उठाई गई राख को छानकर गोली ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए पहले मृतक के परिवार से इसके लिए सहमति ली और फिर राख को छानकर गोली ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गोली फिर भी नहीं मिली। भेज रहे हैं ना, बात कर रहे हैं।